किसी के पास जवाब हो तो देना। अगर दुनिया अल्लाह ने बनाई है तो सबको मुसलमान क्यों नहीं बनाया, और अगर दुनिया भगवान ने बनाई है तो सबको हिंदू क्यों नहीं बनाया, और अगर दुनिया गॉड ने बनाई है तो सबको ईसाई क्यों नहीं बनाया, है दम तो बताओ। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही जमात बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। और जो अमल तुम करते हो उस दिन उनके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाए। पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ बिशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की, ताकि जिन उमूर में लोग इख्तिलाफ करते थे उनका उनमें फैसला कर दे। और उसमें इख्तिलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूद के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे, और ये इख्तिलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की जिद से किया। तो जिस अमर हक में वो इख्तिलाफ करते थे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है।